आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अपना हाउस टूर जो कि हम रेंट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लाए हैं आपके नई वीडियो, लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अपना हाउस टूर जो कि हम रेंट कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंस जॉर्ज में। तो चलते हैं और देखते हैं कैसा है ये, और बाकी सारी डिटेल्स आपको लास्ट में शेयर करेंगे। फिलहाल अभी आपको मैं बाहर का व्यू दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा यार, इतने दिन बाद धूप हमको देखने को मिल रही है। इतने दिन बाद इतनी अच्छी धूप निकली और इतनी तेज़ हवा चल रही है, लिटरली बहुत ठंड हो रही है। मेरा शिवरिंग है अभी, आई गेस टेम्परेचर कितना हो रहा है पता नहीं, माइनस जो भी हो रहा है, माइनस 17 या 18 अराउंड अभी टेम्परेचर हो रहा है। तो यहाँ बहुत ही चिली मौसम हो रहा है। एंड चलो हम आगे तक, क्या क्या हमारा रेंट होता है, कैसे हमने घर देखा, कैसे और कितना हमें सर्च करने में कितना टाइम लगा, वो सब डिटेल्स हम आपको एंड में बताएंगे। सो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। दो तरीके से एंट्रेंस होती है, या तो आपके ओनर के फेस से अंदर से होते हैं या फिर आपको एक सेपरेट दिया जाता है। तो हम लोग को सेपरेट दिया गया है, हमारी एंट्रेंस से सेपरेट है। तो यहाँ से हमारा एंटर होता है और फिर हम अपना अंदर का हमारा सारा एरिया आता है। तो चलो ये हमारा यहाँ से एंट्रेंस, और आप जैसे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं सब पूरा टूट टूट चुका है वहाँ पे, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। सो यहाँ हमारा बैग है। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं ये जाती है हमारे ऊपर ओनर्स की, ऊपर ओनर्स रहते हैं, नीचे हमारा है। तो ये सीढ़ियाँ उनके भागी हैं और यहाँ से हमारी एंट्रेंस होती है। और ये पूरा है हमारा बैग है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्नो हो रखी है, हम अपने शूज बाहर उतार लेंगे बिकॉज यू नो बिल्कुल स्नो से हो रखे हैं, तो अभी हम इसको अंदर नहीं लेके जाएंगे। और बाहर के जो भी शूज़ और वो सब होते हैं वो हम बाहर ही उतार के आते हैं, बिकॉज यू नो बिल्कुल स्नो होती है तो अंदर सारा गंदा हो जाएगा, स्नो स्नो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अपने शूज वगैरह उतारते हैं सारे। और तो यहाँ पे आता है हमारा रैक, शू रैक है यहाँ पे, यहाँ पे हमने सारे अपने शूज़ वगैरह वो सब रख रखे हैं। और फिर और बाकी जो घर के अंदर की चप्पल है वो भी हमारी डिफरेंट है, घर के अंदर हम दूसरी पहन के घूमते हैं, बाहर के लिए हमने अपनी दूसरी रखी है। और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इधर लेफ्ट की तरफ, यहाँ लेफ्ट की तरफ आता है हमारा वॉशरूम। तो वॉशरूम के लिए भी हमने अपने सेपरेट स्लीपर्स रख रखे हैं। तो कम कम हमारा वॉशरूम यहाँ पे हमको दिया गया है, यहाँ पे लाइट्स हैं और वो सब कैबिनेट्स आपको दिए हुए हैं रखने के लिए। और ये हमारा शावर वाला, एक्चुअली यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, या तो आपको शावर भी मिलता है या फिर बाथ टब भी मिलता है, बाथ टब वाला, बट हमें शावर वाला मिला है। तो वो इस तरीके का है, ये थोड़ा से स्लाइडिंग वाला है इस तरीके से। और या तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको कपड़े वगैरह के लिए सब दे रखा है और यहाँ पे मिरर अवेलेबल है। और यस, तो यहाँ पे दिखाने के लिए अभी यही है हमारे पास। साइड में हमको दिया गया है ये क्लोज़ेट, तो हम यहाँ पे अपने क्लोथ्स वगैरह रख सकते हैं,
ये चीजें की मैंने यहाँ पे पूरी ऐसे स्लाइडिंग करते हुए इस तरीके से। फिर यहाँ से जब हम आते हैं तो ये हमको हमारा अकाउंट लिविंग रूम कह सकते हैं, लिविंग रूम है तो पूरा किचन यहाँ पे एक्चुअली होता है कि यहाँ तो किचन और वो सेपरेट करके आपको दिया जाता है, बट हमारा ये पूरा एक ही साथ है। तो ये हमारा पूरा लिविंग रूम टाइप आ गया, लिविंग एरिया। अभी हम लोग ने ज़्यादा सामान ले नहीं रखा है बिकॉज हम सोच रहे थे कि हम यहाँ के लिए सोफ़ा वगैरह कुछ ले लेते हैं, बट अभी हमने कुछ लिया नहीं है बिकॉज फिर हमें काफ़ी लोग कह रहे थे कि मूव करने में दिक्कत होगी उन सब चीज़ों में, तो हमने सोचा कि चलो हम धीरे धीरे चीज़ें देखते हैं। तो अभी हम बाकी का सामान धीरे धीरे खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो ये और यहाँ पर हमने कॉर्नर में हमारा मंदिर छोटा सा बना रखा है भगवान जी, तो यहाँ पर हमारे भगवान जी हमें रख रखे हैं, यहीं पर हम पूजा वगैरह करते हैं। और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो ये होता है हमारा पूरा किचन एरिया, तो जिसमें क्या कहते हैं हमको ये फ्रिज जो है ये हमारा इंक्लूडेड है, कुछ अलग से नहीं खरीदा है। तो ये है ऊपर हमारा फ्रीजर यहाँ पे, और ये सब है अंदर, कुछ ज़्यादा ही सामान भरा हुआ है अभी हमारा। तो ये है हमारा सेकंड फ्रिज मिला है हमें यहाँ पे, ये है हमारा वॉश बेसिन, और यहाँ से विंडो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ क्योंकि व्यू बहुत अच्छा आता है ना जब स्नोफॉल होती है यहाँ पे, हम काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमें यहाँ पे ये कैबिनेट मिले हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने अपना सामान रखा है तो काफ़ी स्पेशियस हो जाता है, तो ये अच्छा है ये वाली चीज़, तो वो सब अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमें ये इधर भी कैबिनेट मिला है इस तरीके से, तो ये भी अच्छा लगता है, काफ़ी मतलब स्पेस मिल जाती है चीज़ें रखने के लिए, सामान रखने के लिए। और ये इसी तरीके से नीचे भी है, ये सब स्लाइड करते हुए यहाँ पे सारा रखने का पूरा हमको इसी में मिला हुआ है। यहाँ पे स्टोव, यहाँ पे कनाडा में मतलब ना स्टोव जो होते हैं ऐसा नहीं है जैसा हमारे इंडिया में हम उसको बर्न करते हैं बर्नर टाइप, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमको ना ऐसा हीटर टाइप दिया होता है, हमें यहाँ से इसको ऑन करते हैं इस तरीके से, ये ऑन हो जाते हैं चीज़ें और फिर वो अपने आप हीटर होने लगता है और फिर हम ऐसे क्लोज कर देते हैं। और इसी के साथ ही हमको यहाँ पे ओवन मिला है, इसी में ही ओवन ये इंक्लूडेड है, तो ये पूरा इसी में ही आता है जो हम रेंट करते हैं उसी में ही आता है। इस तरफ है हमारा माइक्रोवेव, ये हमारा कॉफ़ी मेकर, और ये जो माइक्रोवेव कॉफ़ी मेकर है ये हमारा खुद का है, ये रेंट में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये वाली चीज़ के बाद जब ये किचन का जो साइड में है जो एक ये डोर, ये है हमारा स्टोर रूम टाइप, तो हम जब इसको अंदर जाते हैं तो ये सारा हमारा स्टोर रूम टाइप है यहाँ पे ही। और यहीं पे हमारा हमको यहाँ पे वॉशिंग करने का जैसे लॉन्ड्री वॉशिंग होती है वो करने का मिला, ये है हमारा वॉश करने का वॉशिंग मशीन, तो ये कुछ यहाँ पे ना डिफरेंट स्टाइल की होती है, डिफरेंट तरीके की होती है। सो यहाँ पे कपड़े हम वॉश करते हैं और यहाँ पे जब हमको उसको ड्राई करना होता है तो हम उसको यहाँ ऊपर डालते हैं, तो यहाँ का मशीन का सिस्टम इस तरीके का होता है। फिर यहाँ पे हमने सारा अपना सामान जो भी होता है वो स्टोर वोर कर रखा है, अभी हमने सारे अपने बॉक्सेस जो है वो ओपन भी नहीं कर रखे हैं बिकॉज हम वही सोच रहे हैं कि जब ज़रूरत होगी तो हम उसी हिसाब से चीज़ें निकालेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा बैग्स वगैरह है वो हमने अपना यहीं पर रख रखा है। तो हाँ, फिर इसके बाद यहाँ पर जो जाते हैं ना तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का है, तो ये जो सिस्टम है ना पूरा यहाँ पे ऐसे ही होता है जैसे आपको जो भी हीटिंग चाहिए होती है विंटर्स के टाइम पे, हीटिंग हो गई और क्या कहते हैं और क्या चीज़ें होती हैं, ये फर्नेस होता है बेसिकली, तो जो भी हीट प्रोड्यूस होती है वाटर जो भी होता है ये लैंडलॉर्ड ने कर रखा है यहाँ पे सेटअप, तो यहीं से प्रोड्यूस होता है आप देख सकते हो। तो मतलब जितने भी कैनेडाज में जितने भी हाउसेज होते हैं तो चाहे वो बेसमेंट हो या चाहे आपका नीचे का है ग्राउंड फ्लोर है जो भी, तो मतलब जो भी सिस्टम वगैरह होता है ना वो इसी तरीके से होता है यहाँ पे सारे, गर्मियों के लिए सर्दियों के लिए हीटिंग हो गई और क्या कहते हैं वाटर का हो गया, सारा सिस्टम सब कुछ यहीं से ही चलता है, तो ये जितना सब कुछ है यहीं से चलता है। तो ये हो गया हमारा पूरा स्टोर रूम। तो फिर हम आगे बढ़े तो फिर ये तो हमने आपको दिखाई दिया था कि ये हमारा पूरा लिविंग रूम टाइप है, तो अभी हमने कुछ ले नहीं रखा है बट हम धीरे धीरे लेंगे। फिर जब हम इधर आते हैं तो यहाँ पे जो ये डोर है ये हमेशा बंद ही रहता है बिकॉज ये हमारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं ये उनके साइड का एरिया, तो हम इसको ओपन करते हैं तो उनके साइड का एरिया आता है, तो ये जो डोर है ये हमेशा क्लोज रहता है। फिर हम यहाँ आते हैं तो
ये हमारे राइट साइड में यहाँ पे एक और ये डोर है, तो यहाँ ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा बेडरूम एरिया है। तो या दिस इज अ बेडरूम, सो यहाँ पे भी हमको जैसे तो ये जैसे हम अंदर एंटर हुए तो ये है हमारा पूरा लाइट्स वगैरह है यहाँ पे, ये हमारा ही है और ये हमारा बेड है हो गया। यहाँ सामने बड़ी सी विंडो है और या हम लोग ने ज्यादा और हम लोग ने ये सब कैलेंडर ले रखा है, ये पिक्चर हम लोग ने ले रखी थी क्योंकि ये सीन बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। और हम लोग ने यहाँ पे कैनेडा को वर्ल्ड मैप लगा रखा है, अभी मुझे जगह नहीं पता है कि कौन सी क्या क्या है, तो मैं हर्षित सबसे पूछती रहती ये कहाँ है ये कहाँ है, तो उन्होंने मुझे मैप ही लगा के दे दिया, कहते हैं ये लो इसमें देखते रहना है क्या क्या चीज है, तो इसी में देखते रहते हैं। सो या ये हो गया। और फिर यहाँ पे हमको एक क्लोज़र प्रोवाइडेड है, तो जिसमें हम लोग ने अपने सामान रख रखा है, कुछ सूटकेस वहाँ पे है, कुछ सूटकेस हमारे यहाँ पे है, और ये है सारे हर्षित के कपड़े, यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, ये सबसे पेनी का है। और फिर इधर ये जो है ये हम लोग का हीटर है, ये कभी हम लोग ने इमरजेंसी पर्पज़ के लिए ले रखा है, छोटा सा क्यूट सा कि कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और फिर इधर है ये हमारा छोटा सा कैबिनेट टाइप, तो या जिसमें ये हमने अपना सामान रखते हैं, यहाँ पे मेरा हो गया है, हर्षित का हो गया, तो एंड बाकी हमारे क्यूट से टॉयज हैं, सॉफ्ट टॉयज। तो ये है हमारा बेडरूम, तो यस ये था हमारा पूरा बेडरूम। और फिर हाँ मैं आपको लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई कि यहाँ ये जो नीचे है ना ये हमें पूरा कार्पेटेड है सारा, ये पूरा यहाँ से ये पूरा हो गया इधर की तरफ यहाँ पे सारा, एंड ये पूरा लिविंग एरिया ये पूरा हमको रेंट में ही पूरा कार्पेट के साथ ही मिला इसी तरीके से। बस ये वाले जो एरियाज हैं ये फिर होता है अगर आपको करना है पार्टी वगैरह वगैरह से सब हो ही जाता है। तो ये तो हमारा था पूरा हाउस टू, तो हमारा रूम टू। तो अब हम आगे बात करते हैं कि हमारा रेंट कितना था, हमारी यूटिलिटीज इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड है, हमें कितना टाइम लगा ये पूरा सर्च करने में, और कैसे कैसे हमने प्रीवियस होम देखे थे उसमें क्यों हमने वो नहीं लिए, हम ये इन सब के बारे में आगे अब बात करेंगे डिटेल में पूरा कि कैसे कैसे हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस आपने हमारा होम टूर देखा जो कि वन बेडरूम वन लिविंग रूम किचन के साथ हमको मिला है। हमें कितना टाइम लगा ढूंढने में, कितना रेंट है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, तो अब हम बात कर लेते हैं उस बारे में। हमने इससे पहले चार पांच घर देखे मार्केट प्लेस के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, Kijiji एक वेबसाइट है यहाँ पे कनाडा में चलती है उसके थ्रू, पर हमको कुछ कोई पसंद नहीं आया। एक तो जगह हम वहाँ पे भी गए थे बेसमेंट वाला था, पर वो इतना बेसमेंट वाला जो हो रहा था ना वो इतने छोटे और इतने बंद बंद इतना अंधेरा अंधेरा हो रहा था ना, तो हमको पसंद नहीं आ रहा था। एक्चुअली हमको ऐसा चाहिए था कि जो थोड़ा लाइट और नेचुरल लाइट मिले जहाँ से हमें, है ना, तो थोड़ा अच्छा सा लगे, खुला खुला लगे, तो हम उस टाइप के घर देख रहे थे। तो उसके बाद हमने एक महीना ढूंढा जब हम इस टाउन में आए थे प्रिंस जॉर्ज में, हमें बेसिकली नेचुरल लाइट चाहिए थी, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड चाहिए थी, प्राइवेसी चाहिए थी, तो बड़ी मुश्किल से ये मिला। थोड़ा सा सेफ एरिया चाहिए था रहने के लिए, इसका रेंट है $1200 जिसमें आपको हीट गैस इंटरनेट लॉन्ड्री कार पार्किंग सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर आप यही वन बेडरूम अपार्टमेंट्स में अगर देखने जाओगे तो वहाँ पे कई कई अपार्टमेंट्स में आपको पार्किंग फ़ी एक्स्ट्रा पे करनी होती है और इंश्योरेंस अलग पे करना होता है आपको अगर अपार्टमेंट्स में आप घर लेने जाते हो। तो हमको सेफ एरिया में ये घर मिल गया, थोड़ा सा टाइम लगा ढूंढने में पर लेकिन अच्छा मिल गया। फिर ये हमको पसंद आया, फिर फाइनली जाकर एक्चुअली सबसे बड़ी अच्छी चीज की ये जो पूरा एरिया ना काफी अच्छा है, सेफ है, और मतलब ग्रीनरी और मतलब और जगह से और भी जगह हमने देखी थी वो एग्जैक्ट हमें लोकेशन याद नहीं आ रही, वो काफी कहीं पर कहीं पे होता है ना काफी फिशी सा एरिया लगना और वो सब हो रहा था, तो हमको उसके कंपेरिजन में ये एरिया काफी अच्छा लगा। और जो हमारे लैंडलॉर्ड है वो भी इंडियन ही है,
तो या तो ये सब कुछ अच्छा था, फैमिली वाले हैं सब, तो आसपास भी सब अच्छे से है, सब कुछ सेफ्टी, स्कूल वगैरह भी है आसपास, तो सब कुछ अच्छा लग रहा था। तो हमने फाइनली ये सोचा कि हम इसी को डन करते हैं। होप सो गाइस आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, हमारा ये होम टूर आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल जल्दी आएगी आपके लिए। और बट अगर आपके कुछ सजेशन, कुछ फीडबैक है इस वीडियो को लेके और आपको कुछ और वीडियो में चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो यस, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय गाइस, बाय।